में प्रोस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं उनिशा सरो शाही नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। SGOP वायरल वीडियो कांड में सिपाही सस्पेंड। पुलिस विभाग में पदस्थ जिस SDOP पर रेत माफियाओं पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी थी, वही रेत कारोबारियों से आरक्षक के माध्यम से पैसे लेते हुए पकड़े गए। रिश्वत कांड का यह वीडियो जब वायरल हुआ तो जहां पुलिस की खाकी सवालों के घेरे में आ गई, वहीं विभाग में हड़कंप मच गया। दरअसल पाटन क्षेत्र के SDOP SN पाठक के शनिवार की शाम कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी, जिसमें वे पैसे गिनते हुए नजर आ रहे थे। पैसे देने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि सापुरा थाने में पदस्थ आरक्षक देवेंद्र जाट है, जबकि साथ बैठा एक अन्य युवक रेत कारोबारी है। SP अमित सिंह का कहना है कि उन्हें SDOP के खिलाफ अवैध रेत परिवहन को संरक्षण देने की शिकायतें भी मिल रही थी, जिसके बाद उन्हें 7 अगस्त को पत्र लिखकर उनसे कार्रवाई के संबंध में जानकारी मांगी गई। गोलमाल जवाब देने पर उन्हें सख्त समझाइश भी दी गई और 22 अगस्त को ही SP ने दोबारा व्हाट्सएप ऐप पर मैसेज लिखकर कार्रवाई पर नाराजगी भी जाहिर की थी। इसके बावजूद भी SDOP साहब को कोई फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने अपने अवैध कमाई को जारी रखा, जिसका परिणाम यह हुआ कि 24 अगस्त को उनके वायरल वीडियो हो गए। अमित सिंह ने कहा कि कुछ महीने पूर्व SDOP SN पाठक का जबलपुर से ट्रांसफर हो गया था, लेकिन उन्हें हाई कोर्ट से स्टे ले लिया गया, जिसके बाद पुनः पद पर जमे रहे। मरहार पुलिस अधीक्षक ने रिश्वत के पैसे देने वाले आरक्षक जेवेंद्र जाट को निलंबित कर दिया है। SDOP के खिलाफ शासन को पत्र लिखकर उचित कार्रवाई करने का अनुशासन भी की जा रही है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि पहले भी ब्लैक एंड व्हाइट में मैंने SDOP पाटन का स्पष्टीकरण लिया था। इसी महीने के 7वीं तारीख को मैंने 4 बिंदुओं की जानकारी मांगी थी, जिसमें रेत चोरी करने वालों का नाम और रेत अवैध स्टॉक करने वालों का नाम इनसे पूछा गया था। लेकिन जो इन्होंने जवाब दिया था वो बड़ा गोलमाल जवाब था, जिसके चलते बीती 22 तारीख को मैंने एक DO भी लिखा था और उस DO में अप्रसन्नता व्यक्त की थी कि आपने जो मेरे द्वारा जानकारी चाही गई है उसका गोलमोल जवाब नहीं दिया। कल 24 तारीख को एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक हमारे शाहपुरा के कांस्टेबल देवेंद्र जाट पैसा देते हुए दिख रहे हैं और एक जो 420 का प्रकरण का आरोपी है, रेत का अवैध धंधा करता है अमित अग्रवाल, वो भी वहां दिखाई दे रहा है और पैसा दिया जा रहा है और रजिस्टर में बाकायदा एंट्री की जा रही है। ये सारे कृत्य जो हो रहे हैं वो पुलिस की वर्दी में किए जा रहे हैं, जो घोर आपत्तिजनक है और इसको तत्काल मैंने संज्ञान में लिया है। रात में ही मैंने ब्लैक एंड व्हाइट में ये सारी चीजें वरिष्ठ अधिकारियों को मैंने प्रेषित कर दी हैं और एडिशनल SP साउथ संजीव उइके को जांच दी है। देवेंद्र जाट को मैंने तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया है, उनकी प्राथमिक जांच भी संस्थापित की गई है। इसके अलावा SDOP पाठक को एडिशनल SP रूरल द्वारा भी पत्राचार किए गए हैं। अमित अग्रवाल के संदर्भ में भी इनसे पूछताछ की गई है। पहले इन्होंने साफ मना कर दिया था कि मेरे उससे कोई संबंध नहीं है। ये सारे इंटेलिजेंस हमारे पुलिस के पास थे और सारी चीज़ें ब्लैक एंड व्हाइट में थी। जांच में ये सारी चीज़ें पूरक के तौर पे जोड़ी जाएंगी और निश्चित तौर पे इससे पुलिस की छवि पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध जो पुलिस रेगुलेशन में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को अधिकार है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें आरक्षक भी दिख रहे हैं, SDOP दिख रहे हैं। आरक्षक कार्रवाई, निलंबन की कार्रवाई जो हुई है वो सिर्फ अभी आरक्षक पे हुई है। देखिए, आपको पता होना चाहिए पुलिस अधिकारी का पावर होता है। ऐसे पुलिस अधीक्षक, मेरा पावर सस्पेंड करने का सिर्फ और सिर्फ जो नॉन GOs हैं, NGOs हैं, उनको है। जो गेजेटेड राजपत्रित अधिकारी हैं, जिनकी पोस्टिंग राज शासन द्वारा होती है, उनको सस्पेंड करने का अधिकार मुझे नहीं है। उन्हें सिर्फ अधिकार जो है वो PHQ को है और राज्य शासन को है, वहां से अनुशंसा की जाती है। जो कल मैंने DG साहब को पत्र लिखा है उसमें मैंने इसकी अनुशंसा की है, क्योंकि वो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। मेरे अधिकार क्षेत्र में है उनकी जांच करवाने का। जो मैंने तत्काल वीडियो वायरल होने के कुछ मिनटों के अंदर ही मैंने एडिशनल SP साउथ को जांच दे दी है और जो उसमें तथ्य सामने आएगा वो वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा जाएगा और फिर
पीएचक्यू के स्तर पर उनकी डी होगी, विभागीय जांच होगी, जो आईजी रैंक के ऑफिसर करते हैं। सर ये एक वीडियो जो है ये एक तरह का एग्जांपल भी है, और भी अधिकारी और कर्मचारी इसमें शामिल, क्योंकि रेत का कारोबार तो धड़ल्ले से चल रहा है। देखिए मेरा स्पष्ट कहना है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब बड़े ईमानदार हैं बेईमान हैं, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि जो भी पुलिस के रडार में आएंगे, जानकारी में आएंगे, जैसा मैंने पाटा के संदर्भ में भी कहा, हमारे पास जानकारी है और ब्लैक एंड व्हाइट में सारी चीजें हैं। 24 तारीख को इनका वीडियो वायरल हो रहा है और 22 को मेरा डीओ इनको जा रहा है, जिसपे मैंने अप्रसन्नता व्यक्त की है रेत की कार्रवाई के संदर्भ में। ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि हाईकोर्ट के इस आदेश के तहत वो यहाँ पे रुके हुए हैं, स्टे ऑर्डर उनको मिला हुआ है, उनका ट्रांसफर यहाँ से हो गया था, ये सारी चीजें हैं। लेकिन फिर भी जो हमारे रडार में आएगा ऐसे करप्ट लोग, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर से कदीर खान की एक रिपोर्ट।